बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 107, चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, ये कुछ एग्जांपल्स थी ये मैंने समझाई थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 107 इस प्रैक्टिस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, राइट योर आंसर इन द सर्कल। अब देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था ना कि हम पहले टोटल काउंट करते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल जो होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं, और जितने हमारे पास शेडेड एरिया है, देखिए कितने पार्ट्स को शेड किया हुआ है, 1, 2, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिया है, बाकी सारे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें टोटल कितने हैं, पहले सबसे पहले टोटल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे 6 लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखें कलरिंग जिन पार्ट्स में हुई हुई है, 1, 2, 3, कितने टोटल पार्ट्स में कलरिंग हुई है, 3। तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल कितने हैं फिर से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और कलरिंग पार्ट सब काउंट करें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, 5 by 8। नेक्स्ट देखें डी पार्ट है, टोटल काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने हैं, 10 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10, और उसमें से कलरिंग किन किन पार्ट्स को, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 6 by 10। नेक्स्ट देखें टोटल काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 4, और अब कलरिंग पार्ट्स को देखें, 1, 2 एंड 3। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें टोटल काउंट करें, स्टार्ट हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल कितने हैं, दोबारा से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम यहाँ नीचे टोटल कितने लिखेंगे, 9, ठीक है। और कलरिंग पार्ट्स देखें, 1, 2, 3 एंड 4। दोबारा से काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ ऊपर हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है, समझ आइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शेड द गिवन फ्रैक्शन। अब ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया ना, सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें शेडेड नहीं हुई हुई है, आंसर आपके लिखे हुए हैं जैसे हमने ऊपर आंसर लिखे थे ना, तो आपने शेड करना है। अब देखिए टोटल कितने हैं, 3, और ऊपर हमने 2, ऊपर मैंने क्या बताया था कि जो नीचे लिखे होते हैं वो टोटल होते हैं ना, तो नीचे 3 है ना, तो 1, 2, 3, और हमने जो शेड करना होता है वो ऊपर लिखे होते हैं, तो 2 लिखे हुए, तो इसका मतलब है हमें 2 पार्ट्स को शेड करना है। 2 पार्ट्स को शेड कर लें, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। एक इस पार्ट को शेड करेंगे और हम एक इस पार्ट को शेड करेंगे, ठीक है, समझ आइए आपको। तो आपने इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, शेड करना है। अब ये 3 by 4 है ना, तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें से 3 ऊपर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 3 पार्ट्स को हमने शेड करना है, 1, 2, 3, इन 3 पार्ट्स को शेड कर ले, या 1, 2, 3 3 कर ले, अपनी मर्जी से कोई भी 3 पार्ट्स को शेड कर लें, ठीक है। सेम 9 by 10 होगा, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो टोटल 10 है, उसमें से 9 पार्ट्स को करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, शेड कर दे। सेम इसके साथ भी वही काम करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, समझ आओगे आपको ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 108, सबसे ऊपर जाएँ, लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो अभी तक हमने सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना, कोई वैल्यू होती है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया, अब सेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। सेट्स होता क्या है, अब देखें, लुक एट आमनास कलेक्शन ऑफ पेबल। आमना देखें, इसके पास पेबल्स, पेबल्स किसे कहते हैं आपको पता है,
छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 4, चार है ना, तो 3 ऑफ द पेबल्स आर ब्लू। देखें इसमें से कितने ब्लू है, 1 2 3 4 पेबल्स आर टुगेदर, टोटल कितने हैं, चार है, और उसमें से कितने कलर किया हुआ है, 3 को, 1 2 3। तो अब मुझे खुद बताएं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, बताएं जल्दी से, टोटल कितने हैं काउंट करें, 1 2 3 4, तो कैसे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। और इसमें से कलरिंग कितने की हुई है, इसमें से देखें कलरिंग कितने पार्ट्स को, ये 1 2 एंड 3, तो क्या ऊपर क्या आ जाएगा, 3, और नीचे 4, तो ये देखें 3/4 ऑफ हमनास कलेक्शन ऑफ पेबल्स इज ब्लू, ठीक है। यानी कि 3 हिस्से इसके ब्लू है और टोटल कितने हैं, 4। तो अब सेट की डेफिनेशन देखें, अ कलेक्शन इन मंथ्स, सॉरी मैथ्स, अ कलेक्शन इन मैथ्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि मैथ्स में हम किसी भी चीज़ की कलेक्शन लेते हैं, मतलब कोई इकट्ठी चीज़ें लेते हैं, कोई भी चीज़, पेंसिल्स हो गई, अगर हमने 3-4 पेंसिल्स ले ली है, पेबल्स ले लिए, जैसे यहाँ पे आमना ने पेबल्स लिए थे 4, इस तरह से कुछ भी चीज़ हम जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं ना, उन्हें हम सेट कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। सेट्स एज वेल एज शेप्स कैन बी डिवाइडेड इन टू फ्रैक्शंस, सेट्स या शेप्स को भी हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, समझ आइए आपको यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट कम टू आवर प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो आपको ऊपर पढ़ाया है ना, ये सारे आपने वैसे ही इनको सॉल्व करा है। लुक एट दी सेट्स, अब ये सेट की फॉर्म में हमें गिवन है, देन राइट द फ्रैक्शंस ऑफ ईच सेट दैट इज कलर्ड, और हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल ये पेबल वाली समझाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब मेरे साथ साथ काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं हमारे पास, 9 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना कितनी दफ़ा आपको कि जो टोटल अमाउंट होती है उसे हम नीचे लिखते हैं और कलर्ड अमाउंट जो होती है उसे ऊपर लिखते हैं। अब देखिए कलर कितनी है, 1 2, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, समझ आइए। नेक्स्ट देखें बी पार्ट, टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। और कलर कितने पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 4, समझ आइए। नेक्स्ट देखें सी पार्ट, टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने हैं, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और कलर्ड पार्ट्स देखें, 1 सिर्फ एक है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें डी पार्ट, टोटल कितने हार्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। अब कलर पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा ऊपर, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास ई पार्ट में क्या है, कितने हैं टोटल कैरेट, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेट, दोबारा से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 7। और कलर कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3, समझ आइए आपको। एफ पार्ट देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हैं, 6 है, तो नीचे लिखें आप 6, ठीक है। और कलर कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो कलर पार्ट ऊपर आ जाएगा, 5/6, ठीक है, समझ आइए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, कलर द फ्रैक्शन ऑफ द सेट एज इंडिकेटेड। जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था ना, अब इसमें देखें इन्होंने टोटल दिए हुए हैं और कलर दिए हुए हैं, तो हमने देखना था कि टोटल कितने हैं और कलर कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, और टोटल भी लिखे हुए हैं और उन्होंने ऊपर कलर भी लिखा है, यानी कि आपने कितने को कलर करना है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, उसमें से कलर कितने किसको करना है, 1 को, तो आप इनमें से किसी एक को भी कलर कर दें अपनी मर्जी का, ठीक है, कलर कर दें। अब नेक्स्ट में देखें 5/6, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, उसमें से कलर कितने को करना है, जो ऊपर लिखा होता है वो हम कलर करते हैं, ठीक है, कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, इन 5 को कलर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है 3/8, टोटल हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 को कलर करना है, तो इन तीनों को कलर कर दें, या इन तीनों को, जो आपका दिल करता है उन तीनों को कलर कर दें, ठीक है।
तो मैंने आपको इस लेक्चर में जितना भी समझाया है, आप आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और ये जो कलरिंग वाला मैंने पोर्शन आपके लिए छोड़ा है ना पिछली एक्सरसाइज में भी और इस पेज पे भी, वो भी आपने खुद ही करना है, ठीक है? समझ आई है आपको? इसे अच्छे से करना और याद भी देखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।